हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग प्रिज्म एंड पिरामिड के बारे में, ठीक है। और इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे, क्योंकि ये जब हम वीडियो बना रहे हैं खास करके जो सीटेट में जो स्टूडेंट्स बैठेंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सीटेट में जो मैथ्स पूछा जा रहा है आपको 30 नंबर का, उसमें एक क्वेश्चन जो है ना, जैसे 20 तो सॉल्व करने वाला होगा, 10 मैथ पैडागोजी से होगा, उसमें क्या है ना कि एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से रहता है कि जैसे कोई प्रिज्म है, त्रिभुजाकार प्रिज्म हो या पंचभुज वाला प्रिज्म या पिरामिड हो, उसमें कितने सतह, कितने शीर्ष और कितने किनारा है ना होता है, इसके बारे में पूछा जाता है और उस पर आपको क्वेश्चंस बनाना होता है। तो उसमें आप रट करके जाएंगे ना तो थोड़ा मुश्किल है, भूल भी सकते हैं कि प्रिज्म का भी बहुत सारा प्रकार होता है, पिरामिड का भी बहुत सारा प्रकार होता है, कोई एक दो प्रकार नहीं, बहुत सारा, ठीक है। जैसे बहुभुज का बहुत सारा प्रकार होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज होता है ना, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब का हिंदी होता है, इंग्लिश होता है ना, तो उसी हिसाब से इसका टाइप्स होता है। सबको हम समझेंगे, क्या है ना कि इस वीडियो में हम हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स को समझने में ईजी हो, सबको समझ में आ जाए उसी हिसाब से, ओके ना। तो इसमें हम लिखे हैं आपको प्रिज्म एंड पिरामिड, ये जो है आपको प्रिज्म है, ओके, और ये क्या है, पिरामिड है, ये पिरामिड है, ठीक है। हमको थोड़ा सा हिंदी लिखने में कठिनाई होने लगा है अब, लेकिन ठीक है, ओके ना, परफेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक तरफ हम लोग पिरामिड की बात करेंगे और एक तरफ प्रिज्म की बात करेंगे, ठीक है। दोनों में थोड़ा ध्यान से देखना, आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे जिसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि हो सके उतना चीज़ें आप ना रख पाए तो आप छोटी सी बात को याद रखते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि हो जाना है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। पिछले साल का जो क्वेश्चंस है उसमें अगर आपके पास बुक है तो उसमें देखिएगा, कई क्वेश्चंस मतलब हर एक एग्जाम में लगभग ये पूछा गया है, किसी में अगर नहीं भी पूछा हो किसी दिन तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम डे जो है ना आपको इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें कितना सतह मनी यानी कि फेस। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा हिंदी लिख दे ताकि आप इससे याद रखेंगे, जो हम फेस की बात करेंगे जब कभी भी, तो फेस का हिंदी होता है सतह, क्या होता है, सतह होता है, या इसका अगर हम इधर नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, या फलक होता है, क्या होता है, फलक, ओके ना, सतह या फलक फेस का इंग्लिश हो जाएगा, ओके। उसके बाद वर्टेक्स, वर्टेक्स का हिंदी जो होता है वो शीर्ष होता है, क्या होता है, शीर्ष होता है। और ईडीजी एज, एज का जो हिंदी होता है वो किनारा होता है, ठीक है। क्या है कि हम दोनों यूज करेंगे तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, फेस का सतह या फलक, वर्टेक्स मीन्स शीर्ष और एज मीन्स किनारा, ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं कि ये जो प्रिज्म है और पिरामिड है, ये कहते किसको है, ठीक है। देखिए, कोई फिगर जो होगा, जैसे आप क्यूब, ओके ना, मेरे पास क्या है, देखिए, जैसे कि यहाँ एक चीज है, मान लीजिए इसमें बहुत सारा कार्ड है ये, ठीक है, ये जो कार्ड होता है आइडेंटिटी कार्ड जैसा समझिए, ओके ना, देखिए, या विजिटिंग कार्ड, ये कार्ड का इसमें बहुत सारे कार्ड लिखा हुआ है, तो ये इसका शेप कैसा दिखता है आपको, क्यूबॉइड यानी घनाभ आकृति का है, ये क्या है, घनाभ है, ठीक है, यानी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। देखिए, बेसिक चीज ये सब चीज में इसमें नहीं, ये प्रिज्म और पिरामिड क्या है ना कि घन घनाभ में, बेलन शंकु में, इसमें मैक्सिमम लोगों को पता होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में बराबर स्टूडेंट्स पढ़ता है। लेकिन एक छोटी सी एग्जाम्पल थोड़ा सा समझना है कि एक जो है, एक ऊपर की सतह, नीचे की सतह और एक होता है पार्श्व सतह, तो ये क्या होता है, थोड़ा समझना है, पार्श्व, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, थोड़ा सा लिख लीजिएगा ताकि बेटर समझ में आ जाएगा आपको, पार्श्व, ठीक है, पार्श्व, पार्श्व सतह, ठीक है, पार्श्व सतह, पार्श्व सतह, ठीक है, इसे बोलते हैं लैटरल फेस, LATERAL, लैटरल फेस, ओके ना, पार्श्व सतह, लैटरल फेस। देखिए, जैसे ये जो आकृति है, ये जो हम मेरे पास ठोस यानी सॉलिड फिगर जो है, ठीक है, इसमें 6 फेस है, 6 फेस है, कितना है, 6 फेस, 6 सतह है, एक ऊपर में, एक नीचे, एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर, है ना, तो क्यूबॉइड यानी घनाभ में 6 सतह होता है, कितना होता है, 6। इसमें ये जो है ऊपर की फेस है, ये ऊपर में, ऊपर जिसको टॉप, टॉप फेस बोलेंगे, ये बॉटम का हो गया, नीचे का हो गया, एक टॉप एंड एक बॉटम यानी ऊपर और नीचे हो गया। उसके बाद ये जो 4 फेस है आपको चारों साइड में,
जो साइड वाला फेस होता है ना उसको पार्श्व सतह बोलते हैं, पार्श्व जो साइड वाला होगा, लैटरल वाला। जैसे आप अभी किसी रूम में बैठे हैं तो रूम में जो जरा देखिए आप, एक ऊपर छत एक नीचे ग्राउंड, ठीक है, तो ये दो फेस हो गया, और चारों दीवार जो चारों साइड वाला होगा, ठीक है, तो जो साइड वाला होगा ना उसी को बोलते हैं क्या हम, लैटरल फेस, साइड वाला, कौन सा, साइड वाला, ठीक है, साइड वाला जो चारों दीवार, जैसे चारों दीवार अगर पांच दीवार है तो साइड वाला जो भी होगा वो लैटरल फेस होगा, ठीक है। तो लैटरल मतलब जो साइड वाला होता है, यानी पार्श्व सतह होता है हिंदी में, याद रहेगा ये, क्योंकि ये याद रहेगा तो फिर इस सब का काउंटिंग ज्यादा अच्छा से हो जाएगा और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ओके ना, इसे हम इरेज कर लेते हैं फिलहाल, रहने दीजिए। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड फिगर है जिसका पार्श्व सतह जो साइड वाला जो फेस होगा ना, लैटरल फेस जो होगा प्रिज्म का, वो रेक्टेंगल होता है, ये याद रखिए, इसका लैटरल फेस, ठीक है, इसका प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लैटरल फेस आप इस तरह से अगर याद रखते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, ये गारंटी है। लैटरल फेस यानी कि पार्श्व सतह, क्या, पार्श्व सतह जो है किसका, प्रिज्म का, वो रेक्टेंगल होता है, क्या होता है, रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयत, आयत होता है। देखिए ऐसा हम इस तरह से कभी YouTube पे नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि ये चीज़ें इस थोड़ा ट्रिक हो जाता है, और हम, मेरा मानना ये है कि ट्रिक जितना जल्दी आपको याद हो जाएगा, थोड़ा भूल भी जाइएगा जल्दी, फिर भी हमको क्या है ना कि हम ट्रिक बहुत कम, हमको लगता है कि एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेनेशन सुनेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा। आप समझिए 10 शब्द आप 10 वर्ड सुनते हैं तो उसमें से हो सके कि आप 8 ही याद रहेगा, लेकिन जब 100 सुनेंगे तो उसी रेशियो में 80 आपको याद रहेगा, रहेगा ना। तो मैक्सिमम चीज़ें को सुनना पसंद करिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो आपको हम कितनों कोशिश करेंगे ट्रिक में, लेकिन मुझसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम एक्सप्लेन करेंगे ही, हम चाहे इसे ट्रिक में ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, लैटरल फेस जो होगा प्रिज्म का वो क्या होगा, आयत होगा। प्रिज्म और पिरामिड को पहचानेंगे कैसे, बाद बाकी हम बॉटम एंड टॉप की बात नहीं कर रहे हैं अभी, किसमें, सिर्फ लैटरल फेस की बात करें, जो साइड वाला फेस होगा प्रिज्म में वो क्या होगा, आयत होगा, ठीक है। पिरामिड का जो लैटरल फेस होगा, लैटरल फेस होगा वो त्रिभुज होगा, क्या होगा, वो त्रिभुज होगा, त्रिभुज, ठीक है, इतना तो जानते होंगे, वो ट्रायंगल होगा, TRANGLE, ट्रायंगल हो जाएगा, बस इतना, इसको अभी फिलहाल ये याद रखिए। बाद में कि ऊपर और नीचे की फेस की बात अभी हम नहीं किए, जो लैटरल फेस है किसमें, प्रिज्म का लैटरल फेस आयत यानी रेक्टेंगल, और पिरामिड का जो लेटरल फेस है वो क्या होगा, आपको त्रिभुज होगा। स्कूल में तो बहुत सारे इसका पिक्चर हम स्टूडेंट से बनवाए थे, ठीक है, वो तो अभी रहता है, यहाँ तो कुछ दिखा देते प्रिज्म पिरामिड का, फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई एग्जांपल अभी है नहीं, मतलब कोई सॉलिड बनाया हुआ, आपको हम पूरा डायग्राम यहाँ दिखाते हैं। देखिए अब एक चीज और है कि किसी भी पिरामिड या प्रिज्म का जो प्रकार होगा उसका जो नामकरण होता है, उसका जो नेमिंग होता है वो डिपेंड करता है किस पे, उसका बेस पॉलीगन पे, जो नीचे में, जो नीचे में जो आकृति होगा, नीचे में जो बहुभुज होगा, पॉलीगन होगा। जैसे अगर मान लीजिए त्रिभुजाकार प्रिज्म है, त्रिभुज से स्टार्ट होगा, ठीक है, पहला बात करें हम किस पे, त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार प्रिज्म, ओके ना, त्रिभुजाकार प्रिज्म। देखिए एक दो का हिंदी इंग्लिश हम दोनों बता देते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा सब। त्रिभुजाकार प्रिज्म को इंग्लिश में बोलेंगे हम ट्रायंगुलर, क्या, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है, त्रिभुजाकार प्रिज्म यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो इसके बेस में क्या होगा, बेस में आपको ट्रायंगल होगा, क्या होगा, बेस में ट्रायंगल होगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से एक फिगर हम बनाते हैं। प्रिज्म में क्या होता है, लेटरल फेस तो रेक्टेंगल होगा, साथ ही साथ जो बेस में होगा वही टॉप में होगा, ऊपर में होगा, ठीक है, बाद में लेटरल फेस आयती होगा, ठीक है, तो जैसा बेस में नीचे में वैसा ही ऊपर में, ठीक है, तो सेम टू सेम इसका ऊपर भी हम बना लेते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से इसको जरा मिला के देखिए, इसे जब हम मिला देते हैं तो ये आकृति कैसा बना, इसमें आपको कितने फेस दिख रहा है, कितने सतह दिख रहा है, देखिए इस, ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है इसलिए क्योंकि नीचे में इसके बेस में नीचे की जो आकृति है वो त्रिभुज है, और प्रिज्म में
प्रिज्म में क्या होगा, जैसा नीचे में आकृति वैसा ही ऊपर वाला आकृति। तो नीचे त्रिभुज है, देख लीजिए जरा, नीचे त्रिभुज है, ऊपर भी क्या है, त्रिभुज है, ऊपर भी क्या है, त्रिभुज है, बाद में साइड वाला क्या है, रेक्टेंगल है। ये अभी ऐसा देख रहे हैं लेकिन वो रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो इसमें जरा देखिए आप, ऊपर त्रिभुज नीचे त्रिभुज, दो गो सतह हो गया, ठीक है, सतह दो, सतह एक नीचे एक ऊपर, और तीनों साइड से तीन होगा, क्या है, तीन रेक्टेंगल। जैसे देखिए जरा आप देखिए, ऐसा अगर मान लीजिए इसका बेस है, तो एक रेक्टेंगल इधर से बनेगा, एक रेक्टेंगल इधर से बनेगा, एक रेक्टेंगल इधर से बनेगा। आपको सिर्फ जो है एक दो फिगर, एक फिगर इसमें एक फिगर उसमें समझना है बाद में कि जैसे कि जो चौकोर, ठीक है, चौकोर प्रिज्म कैसा बनेगा उसमें पूछा जाता है, पंचभुज वाला प्रिज्म कैसा बनेगा, खष्टभुज वाला, सप्तभुज वाला कैसा बनेगा, उसका कितने उसमें फेस वर्टेक्स होता है। वीडियो थोड़ा हो सके लॉन्ग जाएगा, एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर भूलने का फिर चांस ही बहुत कम रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक रेक्टेंगल बना नहीं है, ये थोड़ा बड़ा भी खींच सकते हैं, अब ये इधर से खड़ा हो जाएगा, इधर से ऊपर से ट्रायंगल लेके क्या करेंगे, ढक देंगे। तो एक फेस, दो फेस, तीन फेस, और एक नीचे और एक ऊपर से ट्रायंगल, पांच हो गया। तो इसमें कितने हो गया, इसमें जो है त्रिभुजाकार में आपको कितने फेस हुआ, फेस यानी सतह, टोटल फेस कितना हुआ, पांच हुआ, ठीक है, टोटल फेस पांच हो गया, किसमें, त्रिभुजाकार प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म में, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना फेस हुआ, पांच फेस हुआ। अब देखिए जरा वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स यानी शीर्ष, तो ट्रायंगल में तीन शीर्ष होता है, देखिए एगो शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष, ऊपर में ट्रायंगल, तो ऊपर में तीन शीर्ष हो गया, तो टोटल कितना हो गया वर्टेक्स, वर्टेक्स का जो है ना, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेज होता है, तो छह वर्टिसेज हो जाएगा, और इसमें जो एज होगा, एज हो जाएगा वो कितना होगा, नाइन होगा, कितना एज होगा, नाइन होगा। अब देखिए कैसे नाइन एज हुआ, तो जरा देखिए इसी में देखिए, तीन एज ट्रायंगल का नीचे में एज, इसी को बोलते हैं ना किनारा को एज बोलेंगे, तीन एज इसमें हुआ, ठीक है, फिर उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा जितना, क्या ना कि इसको आप थोड़ा समझ जाते हैं ना, तो उसमें उतना ही फिर कम समय लगेगा। अरे किसी चीज को जो है ना बनाने में शुरुआत में ही ज्यादा समय लगता है, जैसे आप घर ही बनाते हैं तो बेस में उठाइए तो बेस में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, बहुत ही ज्यादा उसमें ध्यान देना पड़ता है, बाद में कि उसी हिसाब से ऊपर जाते जाएगा फिर काम क्या होगा, कम होते जाता है ना। तो देखिए शुरुआत की बात है, एक दो तीन, तीन वर्टेक्स नीचे और एक दो तीन, एक कोना, वर्टेक्स मतलब कोना, देखते हैं ना, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो टोटल छह वर्टेक्स, छह कितना हो गया, छह वर्टेक्स हो गया। एज, एज की बात करते, एक एज ये हुआ, दो हुआ, एक ये तीन हुआ, चार पांच और छ, ठीक है, उसके बाद सात आठ और नौ, नौ एज हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या है कि आपको याद कैसे रखना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम फेस कौन करेंगे कैसे होता है। अब दूसरा प्रकार है, दूसरा में क्या है, चौकोर, चौकोर बोल सकते हैं, ठीक है, चौकोर प्रिज्म, ठीक है, चौकोर प्रिज्म, यानी कि इसे हिंदी और इंग्लिश में बोलेंगे हम स्क्वायर प्रिज्म, क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, ओके ना, स्क्वायर प्रिज्म, यानी इसे हम ये भी कह सकते हैं कि चतुर्थ, यानी कि चार भुजा वाले, चार भुजा आधार वाले प्रिज्म, जिसका भुजा आधार हो, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखिए जैसे ये स्क्वायर है, ओके ना, और मान लीजिए हम एक और स्क्वायर इधर बना ले, ये प्रिज्म बनाना है तो कैसे बनेगा, ये क्या होगा, इसके साथ इसको, इसके साथ और क्या करते हैं हम, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ जोड़ देते हैं। देखिए ये प्रिज्म लग रहा है ना, प्रिज्म में बोले थे कि नीचे जो आकृति होगा वही ऊपर होगा, तो नीचे स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, ठीक है, बाद में कि चार फेस अगल बगल से। तो इसमें याद कैसे रखेंगे आप, शॉर्टकट ट्रिक में फेस, उसके बाद हम वर्टिसेज बोलते हैं, और फिर क्या है, एज लिखते हैं, एजेज लिखते हैं, ठीक है। देखिए चार भुजा चौकोर है तो नीचे में चार होगा, तो याद रखिएगा चार फेस तो साइड से होगा, ठीक है, चार फेस साइड से होगा, प्रिज्म की बात करें, देखिए जरा ध्यान से, चौकोर है तो इसमें चार भुजा वाला है तो उससे दो ज्यादा फेस होगा, ठीक है, हमेशा त्रिभुज है तो दो ज्यादा, पांच हो गया, चौकोर प्रिज्म है तो चार दो छ फेस होगा, कैसे, तो चार, तो चारों साइड से एक नीचे और एक ऊपर, तो छह हो गया, ठीक है। वर्टिसेज कितना होगा, तो चार, चार वर्टेक्स नीचे चार ऊपर, तो इसमें चार दुना आठ हो जाएगा, तो चौकोर है, स्क्वायर है,
तो उसका दुगुना, ठीक है, आठ हो गया। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज का दुगुना छह, त्रिभुज में तीन वर्टेक्स तो तीन का दुगुना छह, ठीक है। एज तो एज जो है ना तीन गुना होगा, कितना होगा तीन गुना, तो तीन एज होता है त्रिभुज में, त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तीन तिया नौ हो जाएगा, तो इसमें चार भुजा, चार तिया बारह हो जाएगा, ठीक है, बारह हो गया। अब देखिए, अब जो है, अब बात करते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है इसमें, कि हम कह सकते हैं कि पंच भुजीय प्रिज्म, पंच भुजीय प्रिज्म, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो पेंटागोनल, पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म। जरा आप बात करिए, देखिए इसका फिगर भी नहीं बनाएंगे तब भी हो जाएगा, फेस वर्टिसेस ओके और एजेज, एजेज यानी किनारा कितना होगा, तो पेंटागोनल पांच भुजा वाला है, नीचे में पांच होगा तो दो ज्यादा फेस, तो इसमें कितना आ जाएगा सात फेस हो जाएगा, ठीक है। वर्टिसेस तो पांच का जितना 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 उसमें किनारा होगा ना, मतलब पंच भुजीय है तो पांच का क्या होगा दुगुना, ठीक है, तो दुगुना वर्टेक्स दस हो गया। एज कितना होगा तीन गुना, तो पांच तिया पंद्रह एज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फेस को, फेस को क्या है ना कि फेस को एफ से डिनोट किया जाता है, वर्टेक्स को बी से और एज को ई से। तो जैसे कह देगा एक पंचभुजीय यानी पेंटागोनल प्रिज्म में कह देगा कि मान लीजिए कभी कोई ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि टू ई प्लस थ्री भी ओके माइनस 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 एफ का वैल्यू माइनस क्या है टू ई मतलब एज हो गया वर्टेक्स और बच गया एफ, मान लीजिए टू एफ का वैल्यू निकालना है, क्या देखें इसका वैल्यू फाइंड करें, तो पेंटागोनल प्रिज्म के लिए तो क्या करेंगे हम, इसमें टू गुने एज के गो है पंद्रह प्लस तीन गुने गुने है ये, ठीक है, नहीं कुछ तो गुना होगा ना कहीं पे, अगर टू ए है तो टू गुने ए हुआ, वर्टेक्स कितना हुआ इसमें दस हुआ, ठीक है, माइनस टू गुने फेस कितना है सात, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पंद्रह गुना तीस प्लस दस दिया तीस और माइनस चौदह, तीस तीस साठ, साठ माइनस चौदह कितना हो गया आपको छियालीस, 46 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 46 इसका आंसर हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसे सॉल्व करना है, ओके ना। तो देखिए ये हो गया, अब इसमें मान लीजिए हेक्सागोनल, हेक्सागोनल प्रिज्म बना तो क्या होगा, जरा बताइए, देखिए समझिए ध्यान से, हेक्सागोनल खष्ट भुजीय, ठीक है, छ भुजा आधार वाला, जिसमें जिसमें खष्ट हेक्सागोनल होगा, छ होगा नीचे में, तो फेस कितना होगा, तो छ से दो ज्यादा, क्योंकि छ फेस चारों छ साइड से हो जाएगा, एक नीचे एक ऊपर, तो दो ज्यादा हमेशा, खष्टभुज है तो आठ फेस, ठीक है, सप्तभुज वाला होगा, प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो सात दो दो नौ फेस, दस भुजा वाला होगा तो दस दो बारह फेस हो जाएगा, ठीक है, ओके ना, फेस हमेशा दो ज्यादा होगा प्रिज्म में। अच्छा इसमें वर्टेक्स की ना तो दुगुना, खष्टभुज है तो बारह वर्टेक्स, ओके, सप्तभुज हेप्टागोनल यानी सात भुजा वाला है तो चौदह क्या हो जाएगा फोर्टीन वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है, और एज की बात करें तो तीन गुना, सप्तभुज में सातरी इक्कीस ट्वेंटी वन एज हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको प्रिज्म समझ में आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पिरामिड के बारे में, किसके बारे में, पिरामिड के बारे में, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि पिरामिड का जो है ना लेटरल फेसेज आपको साइड वाला वो क्या होता है ट्राइंगल होता है, ठीक है, ट्राइंगल होता है, ओके ना। अब देखिए इसमें जो ट्राइंगल होता है तो इसका फिगर पहला टाइप्स की बात करें तो इसमें जैसे त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो यहां हो जाएगा आपको त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार पिरामिड, क्या होगा त्रिभुजाकार पिरामिड हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, त्रिभुजाकार पिरामिड। तो त्रिभुजाकार पिरामिड जो है आपको यहां पे इसका नेमिंग क्या होगा ट्रायंगुलर, 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 ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड हो जाना, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो चेक करते हैं वीडियो हो रहा है कि नहीं, ये जो है ट्रायंगुलर पिरामिड, इसमें देखिए कैसा होगा, पिरामिड में आपको जो लेटरल फेसेज होगा वो ट्रायंगल होता है, वो क्या होता है ट्रायंगल होगा। तो इसमें देखिए इसका फिगर कैसे होगा, जरा देखिए आपको एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल बना दिया, इसका क्या करना है ऊपर में ऐसे मिला, इस तरह से मिला और इसको मिला दीजिए, इसमें जो है ऊपर
फेस नहीं होता, ऊपर ओनली वर्टेक्स होगा, ठीक है। कहने का मतलब पिरामिड में, पिरामिड का जो साइड वाला फेस होता है वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है, वो क्या होता है, ट्राइंगल होगा, ठीक है। और नेम डिपेंड करता है नीचे में जो आकृति है उस पे, तो ये ट्राइंगुलर पिरामिड होगा, ये वर्टेक्स देखिए, ये ट्राइंगल ऐसे खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा, ये वाला ए बी और सी, ये तीनों एक जगह मिलकर क्या होगा, ऊपर में एक जगह आ जाएगा। तो ऊपर में एक ही वर्टेक्स हुआ, नीचे में एक और नीचे में एक, कुल मिलाकर के इसमें चार वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है जरा देखिए, और फेस की बारे में बात करें तो वो भी क्या है, कैसे याद रखना है। तो इसमें इसमें दो चीजें सेम होगा, ये ट्राइंगुलर त्रिभुजाकार पिरामिड है जिसका नाम जो है ना टेट्राहेड्रॉन भी होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन, इसे टेट्राहेड्रॉन भी कहा जाता है, ओके ना, टेट्राहेड्रॉन बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें जो फेस होगा कितना होगा, इसका जो फेस, उसके बाद वर्टेक्स लिखते थे, वर्टिसेस, ठीक है, और एजेस की बात करें, ठीक है, एजेस की बात करें, तो इसमें त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, तो इसमें एक ज्यादा फेस है ओनली, क्या है ना कि ट्राइंगल है तो तीनों साइड से और एक नीचे में, ऊपर में कोई फेस नहीं होता, ऊपर में ओनली वर्टेक्स होता है। तो इसमें त्रिभुजाकार है तो एक फेस ज्यादा, तो चार फेस हो गया। वर्टिसेस कितना होगा, तो जितना फेस उतना ही वर्टेक्स, तो चार वर्टेक्स हो जाना है, ठीक है। एज कितना होगा, तो इसका जो एज होगा इसमें ओनली दोगुना एज होगा, तो तीन है तो तीन गुना छह एज हो गया। प्रिज्म में, प्रिज्म के अंदर तीन गुना एज होता था और इसमें दोगुना एज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जरा देखिए, दूसरा यानी कि चौकोर, चौकोर की ही बात करेंगे, चौकोर पिरामिड, ठीक है, चौकोर पिरामिड यानी कि, यानी स्क्वायर पिरामिड, क्या, स्क्वायर पिरामिड, ओके ना, स्क्वायर पिरामिड देखिए कैसे बनता है। तो ये स्क्वायर पिरामिड बनाना हो तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक रखते हैं, इसको इसके साथ मिला देंगे, मिला देते हैं, ये थोड़ा थ्री डायमेंशनल फिगर हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल लगते रहता है, लेकिन जरा देखिए इस पे। तो ये जो है, अगर इसे हम फिर से ट्राई करते हैं फिर से जरा एक बार और देखिए, तो क्या होगा, इसको मिला देते हैं इसे ऐसे, ओके ना, तो ये नीचे स्क्वायर, बाद बाकी चारों तरफ से क्या होगा, ट्राइंगल होगा, इधर से एक ट्राइंगल, इधर एक ट्राइंगल, इधर एक ट्राइंगल, इधर एक ट्राइंगल, क्योंकि ये सभी ट्राइंगल को चारों को जब खड़ा करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, तो इसमें पांच फेस हो जाएगा। तो स्क्वायर पिरामिड में फेस कितना हो जाएगा आपको, फेस एक ज्यादा, चतुर्भुज वाला है ना, चार भुजा वाला है तो एक ज्यादा, कितना, पांच फेस हो जाएगा। वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स भी पांच ही होगा, क्योंकि जितना फेस उतना वर्टेक्स, ओके ना, इसमें याद रखना है। और एज कितना होगा, तो एज दोगुना हो जाएगा, तो चार भुजा वाला है, डबल एज हो जाएगा। अब आपको लगता है अगर कोई काउंट करते हैं इधर, यहाँ दो दो एज है, तो ये दो नहीं है, ये दोनों जब खड़ा होगा तो ये दोनों मिलकर क्या होगा, एक बन जाएगा, ठीक है, ये दोनों मिलकर के स्टैंड होने के बाद जब जुड़ेगा ये, तो ये दोनों एक जगह हो जाएगी, ये दोनों एक जगह हो जाना है, ठीक है। तो एज इसमें कितना, चार दोना आठ एज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है ना, होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अब देखिए, अगर बात करें इसमें तीसरा टाइप, अगर हम मान लीजिए पेंटागोनल, क्या तीसरा टाइप में पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड यानी कि पंचभुजीय पिरामिड, पांच भुजा वाला, तो पांच भुजा नीचे में है, तो पिरामिड की बात करें तो एक फेस ज्यादा, ठीक है। तो पेंटागोनल पिरामिड में फेस क्या होगा, छह हो जाएगा, इसमें छह फेस होगा। वर्टेक्स कितना होगा, तो वर्टेक्स भी छह होगा, जितना फेस उतना वर्टेक्स। और एज कितना होगा, तो इसका डबल, एज कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो एज हो जाएगा इसका डबल यानी कि छह दुना बारह एज हो जाएगा, ओके ना, तो ये तीन हो गया। तो अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं कि आप इसमें कितना होगा बताएंगे, हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं किसके लिए। तो जरा देखिए, ऑक्टागोनल, OCTAGONAL, ऑक्टागोनल पिरामिड यानी कि अष्टभुज, ठीक है, अष्टभुज, आठ भुजा आधार वाला, जिसका अष्टभुज होगा उसके नीचे में, ठीक है, अष्टभुज पिरामिड कह सकते हैं। इसमें कितना फेस होगा, कितना वर्टिसेज होगा और कितना एज होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया, ऑक्टागोनल पिरामिड थोड़ा सा थिंक करिए, सोचिए कितना होगा, उस हिसाब से बताइएगा, इसमें फेस कितना होगा, वर्टेक्स कितना होगा, एज कितना होगा, ठीक है।
ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।